पहली बार वीडियो बन रही है पंडित जी की, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भैया। पंडित जी का नया बेटा अंकुर पंडित जी सांधन वाले है लंबा, यू सही नहीं बन रहा है अगर कुंडे से। मैं देखे नमस्कार जी सभी भाइयों का वेलकम है करू जाओ आज की एक और फ्रेश वीडियो में। और दीपा जोटा 2022-23 का चैंपियन एक बार फिर बैक अगेन है। देखें पूरी अदाओं के साथ इधर पंडित जी भी हैं, बात करवाओगे सारी कैसे कैसे आगे से करेंगे। और हनी भाई को गुस्सा दिखा रहा पूरा अपना, तो हनी भाई ऐसा क्यों इतना लाड़ कर रहा से जोटा प्यार है बिल्कुल देखे पूरी मूड में जोटा है इस समय। और अभी 9 तारीख को पंडित जी 9 तारीख को ही आना, 1 साल जोटे को आए देखे तभी आ जाए। बर्थडे काफ़ी मरोड़ में जोटा इस समय पे है और सारी जानकारी आज इसकी लेवेंगे। देखे छत्ती वगैरह देखे बहुत अच्छी काफ़ी अच्छा तो देखें इधर से आज शुरुआत करेंगे। इधर दीपा जोटर और इधर से शुरुआत होते नाम बताइयो एक बार सभी भाई अपना सीधे बैठो फिर पैर से पूरा नाम है नी गाँव आप तो शर्मा बोल रहे क्या बात है आज शर्मा आज से पहले तो मुझे लगा शर्मा ही नहीं आज पहली बार। इधर भाई तो जोटे पसंद है आपको और इधर बहुत मुस्कुराहट है चेहरे पे क्या बात है। अच्छा खुले तो पंडित जी क्या कह रहे हैं देखो एक बार भैया जो ये तेरा सही तेरा हां सही के देखे इस भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है जोटेबाजी में बहुत बड़ा साथ है। पूरा नाम क्या है आपका? मोनू। और गांव? कस्तला। जिला? मेरठ। और उधर भाई नाम क्यों देखो फिर भी एक बार जो कोई नहीं दर्शक है वे देखें आपको वे पहचान जावे। भूरा भाई गांव सैनी से है, जिला इनका मेरठी है ना और तहसील मवाना बहुत अच्छी बात है देखें तहसील भी मेरठी है। अच्छा मेरठी है हमारी तहसील मवाना। आज गांधी की वीडियो भी आपको इसके बाद मिलेगी 16 अगस्त है ना पंडित जी आज। हाँ भैया तो देखें बहुत भाई के मैसेज भी काफ़ी आ रहे हैं कि रेस नहीं हुई जोटे की उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। हालांकि आज थोड़ा दीपा के बारे में बताओ कितना टाइम आपके पास आए उसे हो गया पंडित जी? भैया साल भर हो गया। अच्छा साल भर हो गया पूरा 1 साल लगभग। हाँ। तो 1 साल में काफ़ी ज़्यादा नाम है जी पूरे भाई तो भी थारे सामने कि लगभग तैयारी आया था आपने ही करा के तैयार हूँ ना हम नहीं कराता तैयार आप नहीं करता जैसे लाए आप इसे हालांकि आपको पता था जोटा बराबर नहीं दौड़ता तो फिर भी आप इसे लाए तो क्या कुछ आपका मकसद है इससे आगे भी करने का जैसे आगे भाग्य का रेस यो टूर्नामेंट दौड़ेगा टूर्नामेंट की तैयारी फिर से चल रही भैया तो मेन टूर्नामेंट का ही है बाकी वैसे टाइम टाइम का तो याद से मिल जा तो नहीं वैसे तो टाइम टाइम में तो मुझे लगा तोड़ा ही नहीं फिलहाल जोटे का तो लगभग दूरी क्या कुछ घुमा लिया आपने यो 2-1 किलोमीटर तो हटा रहा 2-1 तक हटा लिया वैसे 200 ऊपर भी चल जाएगा ना चलाया ना पता नहीं चलाया ना पता नहीं चला फिलहाल जो 1800 का इसने टाइम रखा तो उससे भी बेस्ट टाइम आ सके कोई तो फिलहाल तो वही बेस्ट टाइम है जी हाँ तो सही टाइम है 3 मिनट 4 सेकंड का था लगभग। हाँ। तो लगभग जैसे इसने रेस खेल ली तो टूर्नामेंट कितनी खेल चुका जी? 13 टूर्नामेंट खेली और भैया 13 की 13 टूर्नामेंट कवर है इसकी पूरी चैनल पर पड़ी देखें और फिलहाल की तैयारी देखें शरीर क्या लोहा लाट बेहद जानदार। तो पंडित जी अब भी तैयारी चल रही
तैयारी करेंगे तो उन्होंने भी सुनने में आया था कि अभी रेस भी मिलने वाली जुटेगी इसकी। हाँ रेस मिलेगी। तो लगभग क्या कुछ दूरी? 1200 मीटर। तो बहुत डाउन आ गया 1800 से सीधा 1200 पे, क्या बात है। डाउन अब होते रहो हैं। तो भूरे भाई जैसा जोटा है जी दीपा, तो कैसा है जी आपकी टीम में जोटा? जो सीनियर जोटो में है जी, बहुत बढ़िया। देखे मोनू भाई से भी दो चार बार जोटे के बारे में पूछेंगे, काफ़ी हसमुख चेहरा है देखें। तो मोनू भाई जरा बताओ, आप भी बताओ जोटे के बारे में, आप ही बता दो। बढ़िया दौड़ रहा, जैसे आप तैयारी करवाओ इसकी, आपके एरिया का बेस्ट जोटा है जी दीपा, हालांकि नाम भी टॉप पे चल रहा जोटे का इसका टाइम टाइम में। तो फिलहाल जैसा आगे टूर्नामेंटों में जाकर सारी में घुमाओगे इसे लगभग, मतलब कोई 2 किलोमीटर लोड फेर हो? दो का तो बढ़िया चलेगा, बाकी जोटा भैया आने वाले टाइम में आपको इसकी रेस भी देखने को मिलेगी। तो पंडित जी जब से जोटा आया काफ़ी शरीर खोलिया जी हैं। आप देख सको जोटे को। तो जैसे आज कुछ विचार है जोड़ने का या ऐसे खुंटे पे ही बनवाओगे वीडियो? बस देख लो, अगर मौसम अच्छा है तो जोड़ लो, बाकी कोई जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है जी। जोड़ोगे? चलो देख लेंगे। बाकी अगर आगे कोई इससे रेस मिलाना चाहे तो चैलेंज बरकरार ही है या उठा लिया आपने? अभी तो पढ़ाई है। अच्छा पढ़ाई रखोगे अभी? तो मतलब पंडित जी गर्मी में पूरी तैयारी में मामले को लेकर चल रहे जी, तो काफ़ी अच्छी बात है, शौक होता रहे। तो पंडित जी जैसे आजकल के नए बच्चे भी शौक कर रहे जी, तो थोड़ा उनके बारे में भी आपके मुँह से दो शब्द हो जा। बढ़िया बात है जी कि आपसे बड़े बड़े जितने खिलाड़ी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। तो मोनू भाई क्या पीछे पीछे पढ़ाई के साथ साथ अपना लगे रहो बिल्कुल। तो जैसे अभी आपके पास गांव में एक जोटा हो रहा है जी, वो हनी भाई का है, तो हनी भाई से ही जानकारी लेंगे उसके बारे में। क्यों आप क्यों सर मांगे उसके बारे में बताओ, उसकी भी उसकी रेस के बारे में थोड़ा, कब है रेस उसकी पंडित जी आप बताओ? अच्छा 21 तारीख की है, जो चंद्रमणि भाई वाला जोटा था। तो लगभग कितनी मीटर है दौड़? 400 मीटर है भैया, छोटी दूरी का जोटा, काफ़ी अच्छा हल्का कैमरा उस पर भी मार का आपको दिखाऊंगे जोटे को। बाकी मेन वीडियो जो है या दीपा जोटे की वीडियो है, तो जोटे का नाम जी काफ़ी अच्छा, टूर्नामेंटों में भी लगभग इनाम सभी में है जिसका। हाँ 2-3 में ना है वो सब में बराबर, बाकी सेकंड फर्स्ट भी इसने काफ़ी जगह मारी जी, है ना। तो देखें भैया आज की वीडियो जरा दिखाऊंगे जोटे की इसकी, एक बार कैमरा आपको पास से मार के दिखा दो। आइयो नहीं भैया एक बार इसके पास, काफ़ी अच्छा। कासमपुर खेड़ी से भैया जोटा आया था अरुण फौजी से, तो एक बार खोल के चलाओ थोड़ा सा। क्या शानदार, हाँ सीधे चलो, काफ़ी समझदारी भैया इस जोटे में पा के आ गई भाई, वाह देखे बहुत बेहतरीन जोटा इस समय पाक हो रहा, काफ़ी शानदार। और हनी भाई देखे इसकी नात पकड़ रहे आज, चलो चलो लेके चलो। तो पेड़े में तो पंडित जी ने तो पेड़े पे लगा रखा जोटे को देख के तो देखें, काफ़ी अच्छी खुवाई भैया पंडित जी, गौर बहुत करा जी जोटे की, उसी के तर्ज पर आज आपको वीडियो दिखाई कि काफ़ी लंबे समय बाद जोटा हाल देखा लगभग लास्ट टूर्न। तो ऊन टूर्नामेंट में गए थे क्या पंडित जी आप? है पंडित जी? हाँ जी रेस हुई थी? हाँ हाँ टूर्नामेंट में, तैयारी में ना था तो हाँ मुझे लगा गया नहीं था उसमें। तो लास्ट रेस इसकी लगभग रतौली थी शायद, तो उसके बाद ही भैया आज ही जोटा देखा आज उस दिन के बाद, काफ़ी प्यारा देखें।
देखे पंडित जी का दीपा रेडी है जी आज। भाई वाह दीपा पंडित जी काफ़ी अच्छा व्यवहार भैया जी इनका हमें लगे हैं पंडित जी का, क्योंकि जोटा जोड़ने का विचार बिल्कुल नहीं था। पहली बार वीडियो बन रही है पंडित जी की, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भैया। ज़्यादा शानदार बहुत ज़्यादा भैया बहुत ज़्यादा पंडित जी की ख्वाही है जी, एक भी कांटा नहीं लगाया एक भी। अरे पंडित जी की अदाएं और जोटा तो है ही फिट, देखिए कुत्ते बात मारते ख्वाही है, देखिए सांदन गांव पंडित जी के नाम से फेमस है पूरा बेस्ट। चला गया फोन निकाल, कैसा लगा मजा मेरे वाली बात पूछे लगे आप तो चलो बेहतरीन दोपहर के 2 बज रहे भैया, मान सम्मान और व्यवहार बहुत अच्छा पंडित जी का। क्या दौड़ने के बाद
जा ठंडे। देखे भैया पंडित जी का नया जूता। अंकुर पंडित जी सांधन वाले। ये लंबा यू सही नहीं बन रहा है आगे कुंडे से। मैं भाई बहुत बढ़िया पंडित जी बहुत शानदार। दो जोटे ले रहे दोनों ही आर पार के। भगवान जी इनकी उम्र लगा। ये तो मैंने पहली बार ही देखा जी। तो चंद्रमणि वाला ही है ना जी? हाँ जी चंद्रमणि। बढ़िया जी। देखे चंद्रमणि भाई ने भी काफ़ी अच्छा जूटा पसंद कर रखा था। भरत भाई वाला बहुत टॉप। तुम्हारे क्या पंडित जी ना भाई? बहुत ही भला जूटा, जैसे दीपा सुद्धा ऐसे बहुत ही सुद्धा जूटा। और वो अंदर क्या चीज है? बहुत लगा रहा है। घर का ही है भाई? वाह पंडित जी काफी बढ़िया। एक कैमरा मार दे उस पे, जब बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे उसे। तो घर की भैंस का ही है पंडित जी वाला वारा? हाँ भैया। देखें जी घर का ही अभी ला विला कुछ नहीं। बढ़िया है जी वो वाला भी। देखो पैर क्या टोक के ले रहा। तो इसे दिखाओगे भैया वो आपको 6 महीने बाद। शानदार। देखें ये जोटा, अगर टाइम लगा भैया रेस जरूर दिखाऊंगे इसकी। देखो इसके बारे में तो कहने की कोई जरूरत नहीं, सबको पता जिसके तो इतिहास। टॉप वाला जोटा भैया सुपर।